राज्य उपभोक्ता आयोग ने अजमेर के मित्तल अस्पताल और गेटविल हॉस्पिटल पर कुल 96,91,000 का जुर्माना लगाया है। पेट दर्द के चलते भर्ती हुई एक महिला मरीज के इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई। आलम यह था कि 5 लाख समय पर नहीं चुकाने पर वेंटिलेटर तक बंद कर दिया गया था और मरीज की मौत हो गई। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य कमल कुमार बागड़ी और सदस्य मीना मेहता ने मुंबई निवासी राजेंद्र कुमावत और उनके परिजनों की तरफ से दायर परिवाद पर फैसला सुनाया। अजमेर के मित्तल अस्पताल और गेटवेल अस्पताल पर 96,91,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि फैसले के जरिए वो समाज में एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि कैसे जीवन बचाने वाले अस्पताल चंद रुपयों के लिए मानव वध करने तक से पीछे नहीं रह रहे। पेट दर्द की शिकायत पर गेटवेल अस्पताल में भर्ती हुई यशोदा कुमावत को परिजनों की इच्छा के खिलाफ मित्तल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इसमें भी आयोग ने गेटवेल के डॉक्टर सोगानी पर दलाली करना माना है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने इलाज में लापरवाही और उपेक्षा से महिला मरीज की मौत मानी है, जिसमें 96,91,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मित्तल अस्पताल अजमेर पर 91,91,000 का जुर्माना लगाया। गेटवेल अस्पताल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आयोग ने माना कि डॉक्टर दीपक सोगानी ने दलाल की भूमिका निभाई। मित्तल हॉस्पिटल में मरीज को लगा वेंटिलेटर बंद हो गया था। 5 लाख नहीं देने पर अस्पताल में वेंटिलेटर हटा दिया गया। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयोग ने अपने आदेश में राज्य के पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया है कि अगर अदालत में प्रसंज्ञान नहीं लिया गया तो अनुमति लेकर FIR वापस ली जाए और उसकी जांच के लिए कोर्ट से अनुमति लेकर ATS या फिर SOG से कराई जाए। राज्य उपभोक्ता आयोग ने मामले में गंभीर टिप्पणी की है, संभावित स्थिति को आशयपूर्वक मानव वध का मामला बताया है। मित्तल हॉस्पिटल को 2 महीने में राशि अदा करनी होगी, परिवादी को 41,51,000 रुपए और आयोग में 50 लाख रुपए की राशि जमा करानी होगी। जुर्माने की राशि पर 11 मई 2012 से 9% ब्याज भी देना पड़ेगा। 2012 में हुई घटना के प्रकरण में आयोग ने ये भी माना कि देश में क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पतालों के नवीनीकरण और पंजीकरण के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 लागू है, फिर भी पंजीकरण के अनुसार अस्पतालों और नर्सिंग होम में सुविधाएं नहीं है। आयोग ने माना कि राज्य में एक्ट की पालना सख्ती से नहीं की जा रही। इसके लिए आयोग ने अपने आदेश में राज्य के प्रमुख सचिव चिकित्सा को भी निर्देश दिए हैं कि जो भी संस्थान पंजीकरण के नियमों के अनुसार सुविधाएं नहीं जुटा रहा उसका पंजीकरण तुरंत रद्द कर उसे बंद किया जाए। निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।